सीमास किचन में आज जाफरानी बिरयानी सिखा रहे हैं, जिसकी जरूरत होगी 4 दरमियाने साइज के प्याज हैं, 1 किलो मुर्गी है उसको मैं धो चुकी हूँ, 3 से 4 टेबलस्पून दूध के हैं, 1.5 से 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है, थोड़ा सा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है, 2 टीस्पून लेमन का रस है, 5 से 6 टेबलस्पून बटर इस्तेमाल करूँगी, अनसॉल्टेड बटर है। जरूरत होगी क्रीम की, तकरीबन 2.5 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगी, बादाम है स्लाइस किए हुए हैं सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे, नमक हसबे जायका है, 350 ग्राम दही इस्तेमाल करूंगी, 1/2 टीस्पून ज़ाफ़रान है। मसालों में ज़रूरत होगी सूख मिर्च, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मिर्चें पसंद करते हैं, 2 से 2.5 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं सूख मिर्च के, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 6 से 7 लौंग है, 2 अदद काली इलायची है, 4 से 5 अदद सब्ज इलायची है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 2 दालचीनी है, थोड़ी सी मैंने जवतरी ली है, इसका मैं पाउडर बनाकर इस्तेमाल करूँगी। चावल की 1 किलो चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी इस तरह के 4 गिलास चावल उबालने के लिए जिन मसालों की जरूरत होगी उनमें है सौंफ 1 टीस्पून है, काली इलायची 2 अदद है, सूखा लेमन है, ज़ीरा 1 टीस्पून है, 2 अदद दालचीनी है, 1 बादियान खताई है, 3 अदद लौंग है, 7 से 8 अदद काली मिर्च है और 1 तेज़पात है। सबसे पहले मैंने चावल को अच्छे से धो के मैंने इसको पानी में भिगो दिया है। चावल उबालने के लिए पानी रख लिया है और इसमें मैं जब पानी रखूंगी तो साथ में ये तमाम गरम मसाले जो थे इनको मैंने धो लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसमें मैं इस पानी में नमक भी शामिल करूंगी और मैं 4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, हर एक गिलास के लिए मैं 1 टीस्पून डालूंगी, मैं 4 गिलास चावल इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं 4 गिलास नमक शामिल करूंगी। अगर आप चाहें तो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये पानी उबलना शुरू हो गया, अब मैं इसमें चावल शामिल करूंगी और चावलों को मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट भिगोया है। चावल उबल चुके हैं, अब हम इसको हमने उबाल तो लिया लेकिन इसमें बिल्कुल बिल्कुल ज़रा सी कसर रहने दी है, वो हम दम के वक्त जब रखेंगे वो बाकी का तब पक जाएगा। इनको मैंने धोकर काटा है, काटने के बाद नहीं धोना, मैंने इस कटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इससे मिलता जुलता कोई भी कटर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हाथ से भी आप काट सकते हैं, लेकिन ये रहे कि बारीक काटने, इनको सबको एक जैसा काटना है, इस कटर से यही हुआ है कि ये बारीक बारीक और सब एक जैसे कटे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि कुछ मोटे कटे हैं कुछ पतले कटे हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। प्याजों को तलने के लिए मैंने एक पतीली में घी ले लिया है, इसमें अब मैं प्याज शामिल कर लूंगी। प्याजों को मैंने एकदम बारीक बारीक काटा है और तमाम प्याजों को मैंने एक जैसा काटा है, ऐसा नहीं करना कि कुछ को बारीक काट लिया और कुछ को मोटा काटा या तमाम को मोटा काट लिया, क्योंकि अगर मोटे कटे होंगे तो ये बाहर से ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन जब बाद में मसाले में दही में या पानी में शामिल करेंगे तो ये कच्चे कच्चे रहेंगे, तो इसलिए हमने सबको बारीक काटना है और एक जैसा काटना है। और मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो तेल का भी कर सकती हैं लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा मैं इसको दरमियानी आंच पर फ्राई कर रही हूँ प्याज़ों को, और इन प्याज़ों को साथ साथ हिलाते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाएंगे और अच्छे से हिलाना है ताकि तमाम प्याज यानी बराबर से तले जाएं। ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। प्याज़ों को मैंने निकाल लिया है, एक पेपर पर निकाल लिया है, आप चाहें तो टिश्यू पर भी निकाल सकती हैं, और मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है। अब मैं इसमें से जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकाल लूँगी इस तरह, देखिए इस तरह टिश्यू में आया जा रहा है इसका तेल, इस तरह आपके प्याज क्रिस्पी भी हो जाएंगे। इन प्याज़ों को देखिए मैंने एकदम बारीक काटा था, तो ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं, जितने आप बारीक काटेंगे उतने अच्छा फ्राई होगा, और तमाम बराबर से कटे हुए थे और बराबर से मैं हिलाती रही थी, तो देखिए कुछ ऐसा नहीं, कुछ पक गए हैं ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गए हैं, कुछ कच्चे हैं, सब देखिए इवनली फ्राई हुए हैं। प्याली है, इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून दूध ले लिया है, ये 1/2 टीस्पून ज़ाफ़रान है, ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको हम भिगो लेंगे, इसमें ये हम बाद में अभी इस्तेमाल करते हैं, इसको मैं इसमें भिगो के एक साइड पर रख लूँगी। एक पतीली में मैंने तेल ले लिया, अब मैं इसमें मुर्गी शामिल कर दूंगी।
मुर्गी को अब मैं दरमियानी आंच पे फ्राई करूंगी। मैंने एक प्याला ले लिया है मसाले तैयार करने के लिए। इसमें मैं सबसे पहले सूप में शामिल कर दूंगी ये तमाम साबित मसाले हैं, इनको मैं धो के इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टीस्पून में लेमन ग्रास शामिल करूंगी, नमक हसबे जायका शामिल करूंगी। अब मैं तकरीबन 3 से 4 टीस्पून उसके डालूंगी मक्खन के, ये मेल्टेड बटर है। मैंने इसमें बटर डाला है और ये रूम टेम्परेचर पर ये था, ये देखिए नरम है। और अब इसमें मैं तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डालूंगी। ये ज़ाफ़रानी है, देखिए मैंने शुरू में भिगो दिया था और ये अभी इस रंग का हो चुका है, इसको भी मैं इसी मसाले में शामिल कर दूंगी। और इन तमाम चीज़ों को मैं एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैं 2.5 टीस्पून क्रीम के डालूंगी। इसमें मैंने तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून क्रीम के डाले हैं। धनिया पुदीने को मैं बारीक काट चुकी हूँ, अब मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगी इसी मसाले में। इन तमाम चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी। और मैं जब सूप में डाली थी इसमें मैंने जावित्री का पीसा हुआ पाउडर भी शामिल कर दिया था। ये मसाला तैयार हो चुका है। दही को मैं अच्छे से फेंट चुकी हूँ और इसको बगैर फेंटे हुए कभी भी नहीं डालना। मैं इसको मुर्गी को मुर्गी में शामिल कर दूंगी। मुर्गी फ्राई हो चुकी है। दही डालने के बाद इसको मैं तकरीबन आधे से 1 मिनट पकाऊंगी। ये प्याज है, इनको मैंने पीस लिया है, ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी और इसको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मसाला जो मैंने तैयार किया था अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मैं इस मसाले को इसमें मिक्स करूंगी एक दफा। इसमें मैं 1 गिलास पानी शामिल करूंगी, इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। तकरीबन मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक पकाया दरमियानी आंच में और ये देखें इसका पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन, ये मसाला बन चुका है इस तरह से, ये देखें। लेकिन हमने इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, ये ना हो कि एकदम मसाला खुश्क हो जाए, ये तकरीबन इतना ही रखना है, इतना गाढ़ा होना चाहिए। इसमें हमने इसमें चावल शामिल कर दूंगी। बहुत शानदार, इसमें खुशबू है, बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत आला रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। चावल डालते हुए मैंने जो नीचे मसाला पक रहा था मैंने उसकी आंच हल्की कर दी है धीमी आंच पर, अब मैं ऊपर चावल डाल रही हूँ। ये एक प्लेट में मैंने मसाले निकाल लिए, लेकिन जरूरत के हिसाब से डालेंगे। गरम मसाला है, काली मिर्च पाउडर है, ज़ाफ़रान येलो कलर है और ज़ाफ़रान है। चावलों के नीचे मैं तवा रख चुकी हूँ, इसकी आँच हल्की कर चुकी है, अब मैं इस पर मसाले शामिल करूंगी। इसको अब मैं चम्मच से थोड़ा सा हिला लूंगी रंग को। रंग जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करूंगी। अब मैं इसमें गरम मसाले शामिल करूंगी, ये भी हर मसाला मैं जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करूंगी। अब थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ, इस पर अब मैं ज़ाफ़रान डाल रही हूँ। इसको कवर करके अब मैं दम दूंगी हल्की आँच पर। बिरयानी को दम आ चुके हैं, मैं इसका कवर उठा लूंगी। ये देखिए किस तरह भाप निकली है। अब मैं चावल को बिरयानी को यानी मिक्स करूंगी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने मसाला नीचे रखा था। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करूंगी
और इस तरह बिरयानी पकाने से इसका फायदा ये होता है, आपके जो चावल होते हैं वो कभी भी पतीली को नहीं लगते हैं और इस तरह आपके चावल नहीं जाया होते। अभी देखना जब अगर यानी अगर आप जरूर ये तरीका आजमाएं कि जो मसाला होता है उसको नीचे रखें, बिरयानी को ऊपर रखें और फिर दम दें, और आप देखना जब आप दम देकर यानी चावल ख़त्म होने के बाद पतीली में देखेंगे तो इसमें कोई भी चावल नीचे नहीं लगा होगा, वरना अगर मसाले को बीच में रखकर दम दें तो ये होता है कि चावल नीचे लग जाते हैं, इसमें चावल बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा, आपकी पतीली बिल्कुल साफ ही रहेगी। ज़ाफ़रानी बिरयानी तैयार है और इस पर आखिर में मैंने बादाम स्लाइस किए हुए जो होते हैं वो मैं इस पर सजावट के लिए, मैंने आपको शुरू में बताया था बादाम हम सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से मैं डाल दूंगी। ज़ाफ़रानी बिरयानी तैयार है, इसको गर्म गर्म सर्व करें। इसके साथ मैंने रायता बनाया है, इसको मैं इसके साथ सर्व करूंगी। आप चाहें तो बना सकते हैं, इस पर मैं वीडियो भी बना चुकी हूं। ये अपना मनपसंद कोई रायता इसके साथ सर्व करें। इसके अलावा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।